जय हिंद बच्चों, माय नेम इज़ मनस्वी। आई वेलकम यू ऑल इन श्री राम डिफेंस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख ही रहा है। थोड़ा सा मेरे इंट्रो से शुरुआत करते हैं। नाम आपको मेरा पता चले गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर से बता देती हूँ। मेरा नाम मनस्वी है, मैंने बीटेक किया है फ्रॉम VIT वेल्लोर। आई हैव वर्कड इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मैंने पैरामिलिट्री CSF में काम किया है, लेटली मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट में काम किया है, और अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाती हूँ। आपके लिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ क्या होती है, किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपने पहले सोचा होगा कि मुझे ये एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है। उस एग्ज़ाम को आपको अच्छे से स्टडी करना होता है पहले। एग्ज़ाम है क्या, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में क्या क्या आता है और कैसे कैसे आता है, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगी तो आपका जो सोल्जर क्लर्क एग्ज़ाम होता है, आपको अच्छे से पता है उसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। आई होप ये बेसिक चीज़ें सब आपको पता होंगी। इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर वन बाई वन हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। देखो, सिलेबस मैं कैसे शुरू कर रही हूँ, सिलेबस में सब्जेक्ट को इंक्लूड करके शुरू कर रही हूँ, वो कैसे? अच्छा, आप मुझे बताइए, इंग्लिश में आप पढ़ते क्या हैं, इंग्लिश इज़ व्हाट, बेसिक क्या है? जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें आपको पता है आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, आप बाकी सब आप चीज़ें पता है। वैसे ही इंग्लिश में हम इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा, ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? स्पीच क्या होता है, बोलना? कहते हैं ना कि टीचर ने आके स्पीच दी, ठीक है, कोई भी गेस्ट होता है उसने आके स्पीच दी, तो स्पीच होता है बोलना। अब उसमें जो वो बोल रहे हैं, एक सेंटेंस कोई भी बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में आने वाला हर एक जो वर्ड है आपका, उसका उसको ग्रामर में क्या कहते हैं, उसको नाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, वर्ब है, टेंस है, एडजेक्टिव है, क्या सब चीज़ें हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और यही आपका ग्रामर का सिलेबस है। ग्रामर के सिलेबस और मैं आपके जो एग्जाम में सिलेबस है उसको साथ साथ डील करके चलूंगी। तो पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताती हूँ। उस पार्ट ऑफ स्पीच में आपके आपके जो आपका जो एग्जाम है उसमें क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे गिवन है, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले, थोड़ा सा एक अपन अपना बेस रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो मैंने क्या बताया, हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट है मेरा नाउन, सेकंड प्रोनाउन। आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाइए, मैं आपको बाद में पूरा लिखने के बाद में साइड में हट के आपको थोड़ा टाइम भी दे दूंगी, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट है नाउन, फिर है प्रोनाउन, फिर है आपका एडजेक्टिव, फोर्थ है आपका वर्ब, फिफ्थ है आपका एडवर्ब, सिक्स है आपका प्रीपोजिशन, सेवेंथ है आपका कंजंक्शन, और एट है आपका इंटरजंक्शन। तो आप इन सबको एक बार नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप वीडियो पॉज करके भी इन सबको लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम कैरी ऑन करते हैं अपने लेक्चर के साथ में। तो देखो, ये हो गए पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल कितने लिखे मैंने, 8।
इंग्लिश यही सब है, ग्रामर यही सब है। अब आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखो, नाउन बिल्कुल है, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वर्ब को कैसे दिया हुआ है आपके सिलेबस में? आपके पास हमेशा अपने सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए बच्चों, हमेशा होनी चाहिए। तो वर्ब है, तो वर्ब के बारे में आपको क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे? टेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से देखो, टेंस लिखा हुआ है। उसमें क्या है, आपने देखो अपनी बहुत ही जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, पहले तो मैं बता दूं कि जो आपने बचपन में पढ़ा है ना अपनी क्लासेस में, 6 से लेके 10 तक, बस 10 तक, उसको मैं बस ब्रशअप करवाने वाली हूँ, ठीक है, उसी सबको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो टेंस है, हम बचपन से पढ़ते हैं। कितने तरह के टेंस पढ़े हैं आपने? प्रेजेंट बिल्कुल, फिर पास्ट, एंड देन फ्यूचर। अच्छा, उसमें मॉडल भी लिखा हुआ है, फ्यूचर ना लिख के उसमें फ्यूचर टाइम रेफरेंस लिखा हुआ है, एक ही बात है। फ्यूचर टाइम रेफरेंस मतलब जो फ्यूचर की बात को बताए, फ्यूचर टाइम रेफरेंस मतलब भविष्य में होने वाली कोई बात को बताए, वही फ्यूचर टाइम रेफरेंस है और वही हमारा फ्यूचर टेंस है। तो टेंस के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? नरेशन लिखा हुआ है वहां पे, नरेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहीं पे मैं वर्ब से ही आपका एक और बना रही हूं, ठीक है, क्या नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वॉइस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ब से रिलेटेड। आप देखो, डायरेक्ट वर्ब से रिलेटेड, वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, और उससे रिलेटेड आपके ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में लिखे हुए हैं, क्लियर है। एडवर्ब आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा कर देख लेना, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है और ना आपके एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है। वी हैव टू स्टिक विद आवर सिलेबस, हमें अपने सिलेबस को ही ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। आलतू फालतू नहीं पढ़ेंगे और जो है उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा मैं बता जरूर दूंगी एडवर्ब होता क्या है, ठीक है, एक डेफिनेशन उतना ही सफिशियंट है, कोई डिटेल क्वेश्चन आपके आते नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन, बिल्कुल आता है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, टॉपिक में हम डील करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन, इसके एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो हम इन्हीं पार्ट में, जितने रेस्ट ऑफ पार्ट मैंने बताए उन्हीं में से हम उनको डील कर लेंगे, बहुत डिटेल में आपकी ये वाली चीज आती है नहीं। इंटरजेंक्शन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, इंटरजेंक्शन तो हम कोई भी एग्जाम की बात कर लो उसमें आता नहीं है, बस पार्ट ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है वो सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए पार्ट ऑफ स्पीच, और इन सब के साथ मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में कैसे कैसे चीजें हैं, क्लियर है। अब ठीक है, अब हम शुरुआत कैसे करने वाले हैं, अब हम पढ़ने कैसे वाले हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, इंग्लिश का जो फोबिया है ना उसको अपने दिल से निकालना है, ठीक है। इंग्लिश का जो डर है, रटना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रूल्स मैं भी शुरू कर सकती हूँ, नाउन ठीक है, ये पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, रटते रहो, नहीं, हमें समझना है। अब समझना, समझने से मेरा क्या मतलब है, हम साइंस समझते हो ना, लॉजिकली उसको समझते हो ना, ऐसे तो रट तो नहीं लेते ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, समझते हो, प्रैक्टिकली आपको समझ में आता है कि क्या होता है ये, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो आपके लिए इन चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। हमारे इंग्लिश में अप्रोच की थोड़ी सी गलती है, हमारी अप्रोच ही सही नहीं रहती कि हम सब्जेक्ट को डील कैसे करें। मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी कि एक्चुअली में आपको समझना क्या है, समझने से मेरा क्या मतलब है, क्या सेंटेंस देख के आपको पता चलता है इसमें क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या टेंस है, इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है, वो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे मैथ्स में है, आपको अगर नंबर्स की समझ ही ना हो, आपको पता ही ना हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो सेम बेसिक से मैं लूँगी, मैं आपको इन सब पार्ट की थोड़ी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन बताऊँगी, जिससे कोई भी सेंटेंस आ जाए आप कम से कम उसमें ये पहचान पाएँ कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, पहले हम समझे तो सही, ठीक है। जब हम ये समझ जाएंगे फिर हम इन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है, कि भाई ठीक है नाउन है, समझ तो गए आप, है क्या, अब नाउन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, नाउन में कितने केसेस होते हैं, और इसके क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे। तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच अलोंग विद योर सिलेबस, सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं और इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है आपका सिलेबस, क्लियर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, आप बोलेंगे मैम आपने ये सब चीज़ें तो बता दी पर आपने दो चीज़ें छोड़ दी, विच वन? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेपरेटली, कॉम्प्रिहेंशन, और क्या है, मैं वोकैब लिख रही हूँ। अब ये वोकैब एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर तीन चीजें आपके पास दी हुई हैं, क्या? सिनोनिम एंड एंटोनिम। अच्छा ये क्या होते हैं सिनोनिम? सेम शब्द, ठीक है, जिनका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। एंटोनिम विलोम शब्द। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, मैंने कोई सेंटेंस बोल दिया उसके लिए एक शब्द, ठीक है, जैसे कि ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाए, ठीक है, ए गवर्नमेंट विच रन बाय पीपल, तो उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सी पार्ट क्या है, फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं, ये तो दो आपने पहले भी सुने होंगे, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। फ्रेज क्या होती है, इसको फ्रेज बोलो, या आपको कहीं कहीं आपके रेफरेंस बुक में फ्रेजल वर्ब के नाम से टॉपिक मिल जाएगा। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कोई भी वर्ब है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड करके उसका मतलब ही बदल जाता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, डिटेल में भी नहीं जाना, जब पढ़ाऊंगी तब अच्छे से बता दूंगी, अभी तो बस एक थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब में ये तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले, क्लियर है? तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका, जैसे जैसे आपका डे बाय डे आपका सिलेबस चलेगा, मैं वैसे वैसे नाउन प्रोनाउन टेंस अकॉर्डिंगली आपका लेते जाऊंगी। हम ये चीज़ कैसे कवर करेंगे, ये तो एट पार्ट ऑफ स्पीच में आई नहीं, तो हम इसको कैसे लेने वाले हैं? तो बच्चों कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका टेस्ट के थ्रू, और हम वीक में कोई डे डिसाइड कर लेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रिहेंशन लेंगे, और उस कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन होता है कि अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं, एक पैसेज आता है बच्चों, आपने 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम दिए होंगे, 12th में दिए होंगे, और भी जूनियर क्लासेस में दिए होंगे, आपको एक पैसेज मिलता है, इस पैसेज को देख के आपको नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको उसी पैसेज में उनके आंसर ढूंढ के आंसर टिक करने होते हैं, वो आपका क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो हम कॉम्प्रिहेंशन कैसे लेने वाले, टेस्ट के थ्रू, और वीक में कोई भी एक डे डिसाइड करके हम उस पर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करवाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्रिहेंशन आपको ईजियर वे में, आप कम टाइम में उसको मैक्सिमम अपनी एक्यूरेसी बनाते हुए उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। वो कैप कैसे पढ़ाऊंगी मैं आपको, देखो डेली जो भी हमारी क्लास रहेगी उसके एंड में मैं आपको कुछ वो कैप बताऊंगी। वो कैप याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई रूट वर्ड से याद करते हैं, कोई निमोनिक्स से, कोई इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन मतलब जुगाड़, कोई भी एक वर्ड है उसको किसी भी चीज़ से रिलेट कर लिया, ठीक है, रिलेट करने के बाद में हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं कोई जुगाड़ लगा के, या फिर डेली लाइफ में उसको बार बार यूज़ करके, बहुत सारे तरीके होते हैं। जब वो कैप पढ़ेंगे तब उन चीज़ों को समझेंगे। लूँगी कैसे, आपकी जो भी क्लास होगी उसके एंड के कुछ टाइम में हम कुछ वोकैब का सेक्शन देखेंगे डे बाय डे। सिनोनिम के कुछ वर्ड देख लिए, एंटोनिम के कुछ वर्ड देख लिए, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए, और कुछ फ्रेजल वर्ब देख ली, और इसके साथ आपको वोकैब की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, उसको आपको देखना है, ठीक है, और उस पे बेस्ड आपको टेस्ट पेपर भी आपका मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, आपको वो सॉल्व करना है। तो क्लियर है कि पूरा सिलेबस हम कैसे कवर करने वाले हैं। चलो क्लास की बात करते हैं थोड़ा सा। तो जो मेरी क्लास है मैं उस क्लास में आपको कैसे कैसे पढ़ाने वाली हूँ, तो मेरी क्लास के तीन सेक्शन होंगे, तीन सेक्शन हुआ करेंगे ऑलवेज, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन क्या हुआ करेगा आपका, रिवीजन। सेकंड सेक्शन क्या होगा आपका, एक छोटा सा टेस्ट, और फिर होगा आपका लेक्चर। लेक्चर में टू सब सेक्शन, आपका ग्रामर पोर्शन और आपका वोकैब सेक्शन। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या होने वाला है, बट फिर भी तीन सेक्शन होगा, आते हैं
जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैं उसको आपको थोड़े से टाइम में रिवाइज करवाऊंगी। उसके बाद में आपका जो मैंने आपको पढ़ाया, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, उस पे बेस्ड आपका एक टेस्ट होगा। आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको तुरंत का तुरंत करना है और आपको एनालाइज करना है कितना आपको समझ में आया, कौन सा आपका पार्ट लैक हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है। आप खुद को जज कर सकते हो उस पोर्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्या होगा, लेक्चर शुरू होगा ऑब्वियसली। उसमें पहले मैं ग्रामर डील करूंगी और एंड पार्ट में वोकैब, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताई दिया था। तो क्लियर है, हम ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले समझ लो कि हमें पढ़ना क्या है, क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन। डिटेल में तो देख लेंगे इन सब चीज़ों को बाद में, बट समझ में तो आए। आज मैं संज्ञा कहती हूँ हिंदी में, तो आपको समझ में आता है कि हाँ संज्ञा क्या है। तो नाउन आते ही दिमाग में कुछ क्लियर तो होना चाहिए कि व्हाट इज नाउन। तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। आपका नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी मैंने 8 चीज़ें आपको लिखवाई हैं, मैं उनके आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन आज आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है? तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन और क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है उसकी, ठीक है, किसको कहेंगे नाउन। तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को, ठीक है, इतना ही पढ़ा है। तो जरा मैं इसे लिख लेती हूँ। व्यक्ति मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इनका कोई भी नाम हो वो किसके अंडर आता है, नाउन में आता है। अब मुझे बताइए क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई? बोले मैम पढ़ा तो ऐसे ही कंप्लीट सी लग रही है, राइट? लेकिन बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे ये डेफिनेशन मेरी अभी इनकम्प्लीट है। मैंने लिखा राम, मैंने लिखा जयपुर, मैंने लिखा बुक, मैंने एक पर्सन का नाम लिख दिया, मैंने एक प्लेस का नाम लिख दिया, मैंने एक थिंग का नाम लिख दिया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया मैम, तीनों तो नाउन है, पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग आ गया, वेरी क्लियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखने वाली हूँ आपके सामने, जरा मुझे बताइएगा कि वो नाउन है कि क्या है। नेचर, एडमिशन, सेलेक्शन, इमोशन, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा, बहुत सारे लिख सकते हैं, बट अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतने वर्ड हमारे लिए काफी हैं। तो देखिए, नेचर क्या, किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी, सॉरी, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम में फिट हो रहा है क्या? नेचर तो फिट नहीं हो रहा, तो क्या ये नाउन नहीं है? ये बिल्कुल नाउन है। समझाऊंगी मैं आपको कि इसको समझना कैसे, इसको पहचानना कैसे, यही हम नाउन आइडेंटिफिकेशन में पढ़ने वाले। बच्चों हम यही गलती करते हैं, हम वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आते हैं, सेंटेंस में चीज़ें ऐसी आती हैं, हम एरर ढूंढना चाहते हैं। एरर किस पार्ट में है? हम फिल इन द ब्लैंक्स में राइट फिलर पुट करना चाहते हैं, ठीक है, हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में उस पार्ट को इम्प्रूव करके लिखना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता नाउन कहाँ पे, एडजेक्टिव कहाँ पे है, टेंस कहाँ पे, फिर हम कैसे तुक्का मारते हैं पढ़ने में, यार यही सही लग रहा है, यही होगा, ठीक है, इस तरह नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, नेचर मेरी डेफिनेशन जो मैंने ये लिखी थी कहीं सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ना किसी पर्सन का नाम है, ना किसी बुक का, ना ही किसी प्लेस का नाम है, ना ही किसी थिंग का नाम है। नेचर तो मेरी डेफिनेशन में सेट नहीं हुआ, फिर भी क्या नाउन है? बिल्कुल है, ठीक है। एडमिशन मेरी डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहा, लेकिन ये आपका बिल्कुल नाउन है। सिलेक्शन भी बिल्कुल है, इमोशन नाउन है, एडवर्टीजमेंट नाउन है।
तो ये सब चीज़ें आप पहचानेंगे कैसे? मेरी डेफिनेशन में तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो देखो, दो तरीके हैं पहचानने के, ठीक है? कौन कौन से तरीके हैं? एक मैं बताऊंगी आपको सिंपल सा, दो तरीके बताए मैंने आइडेंटिफाई करने के। एक मैंने बताया जो एक्चुअली ग्रामेटिकल वे है, ठीक है? तो मैं इसको नाम दे रही हूं ग्रामेटिकली करेक्ट। एक्चुअली में कैसे समझना चाहिए इंग्लिश ग्रामर, इसको कैसे समझाती है। दूसरा जुगाड़, ठीक है? मैं इसको हिंदी में लिख रही हूँ जुगाड़, ठीक है? जुगाड़ से हम कैसे समझेंगे? जुगाड़ में आपको बहुत मजा आने वाला है, ग्रामेटिकली समझ जाओगे तो आपके लिए ग्रामर में बहुत सही रहेगा। तो चलो मैं पहले इसको समझा देती हूँ, बाद में इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इनका बता दूँ ग्रामेटिकली कैसे, जुगाड़ में कैसे। तो पहले जुगाड़ ही लेते हैं, ठीक है? इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है? तो जुगाड़ तरीका लेते हैं। तो चलिए, अभी जो लिखा था हमने उस पर जरा चलते हैं। ओके, सो हियर इज नेचर, ठीक है? जुगाड़ क्या है? मैं कुछ आपको वर्ड देने वाली हूँ, उनके साथ आप नेचर, एडमिशन या कोई भी वर्ड जिसको आपको पहचानना है नाउन है या नहीं, उसके साथ लगा के देखना। अगर आपको बोलने में सही लगे, ठीक है, तो वो नाउन है। बोलने में सही कैसे लगेगा? आपने सुन रखे हैं भाई, ठीक है? कोई ये वर्ड मैंने कोई ऑक्सफोर्ड से बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड नहीं उतारे हैं, सब डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जुगाड़ वाले तरीके में हम क्या देखने वाले हैं, मैंने कुछ बोला कि कुछ वर्ड के साथ आप इसको लगा के बोलना, वो वर्ड क्या है? तुम्हारा, हमारा। बहुत सारे वर्ड दे सकती हूँ पर बहुत सारी लिस्ट नहीं बना रही हूँ क्योंकि इन दो से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं, क्या वर्ड है तुम्हारा हमारा, ठीक है? तो बोलो तुम्हारा नेचर, नहीं बोलते हैं कि यार इसका तो नेचर सही नहीं है, तुम्हारा नेचर सही नहीं है, ठीक है? या तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा नेचर बोलने में सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे नेचर क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, ठीक है? मैं ये भी बताऊंगी कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैंने यही वर्ड क्यों चूज किया, मैंने कोई अदर वर्ड चूज क्यों नहीं किया। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में अभी पढ़े नहीं है तो उतना डिग इन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो बता रही बस उस पे रहो। तुम्हारा नेचर, हम बोलते हैं तुम्हारा एडमिशन हुआ क्या? तुम्हारा एडमिशन हो गया? तुम वहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे? तुम्हारा एडमिशन तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, या फिर तुम्हारा एडमिशन तो हो ही जाएगा, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम, तो तुम्हारा एडमिशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? तो तुम्हारा एडमिशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। हम बोलते हैं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, या फिर हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल बैठने में सही लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है, बोलते हैं ना डेली यूज में, तो तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? नाउन है। इमोशन, तुम्हारे इमोशन, तुम तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल में रखो, ठीक है? बोलते हैं ना, तो तुम्हारा इमोशन बोलने में सही लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसी तरह तुम्हारी एडवर्टीजमेंट और बहुत सारे वर्ड जो भी ऐसे आ जाए, ठीक है? तुम्हारा जयपुर, तुम्हारी बुक, हमारी बुक, ठीक है? बिल्कुल बैठने में, बिल्कुल बोलने में सही लग रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो ये सब आपके क्या हो गए? नाउन हो गए। तो हमारा तुम्हारा में कोई भी वर्ड सेट करके देखना, अगर सेट हो जाए तो वो वर्ड क्या है? मेरा नाउन है। एयर किस तरह का वर्ड है, ठीक है? क्या है? प्रोनाउन है, नाउन है। मैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको आठ पार्ट ऑफ स्पीच बताए, मैं उसमें से पूछ लूं कि चलो बताओ एयर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? तो पर्सन का नाम सर्च करोगे, एयर किसी पर्सन का नाम है? नहीं, नहीं है। प्लेस का नाम है? बिल्कुल नहीं है। और थिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अब बोलो तुम्हारी एयर, ठीक है? हमारी एयर, ये हम सबकी एयर है, ठीक है? इन्वायरमेंट, ठीक है? अभी इन्वायरमेंट डे गया है, ठीक है? आपका जो 5 जून को इन्वायरमेंट डे था, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी डे था, आई एम सॉरी, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी डे था। तो यहाँ पे देखो, तो अभी हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है? तो वो हमारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा इन्वायरमेंट, हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है? तो इन्वायरमेंट भी सेट हो रहा है। अब देखना, मैंने आज क्या समझा कि पर्सन, प्लेस, थिंग की डेफिनेशन में सब कुछ सेट ना हो, ठीक है? तो भी जो मेरे गिवन वर्ड हैं वो नाउन होते हैं,
क्लियर है, पहली बात तो मैंने ये समझा, ठीक है। अब जो नाउन है उनको पहचानेंगे कैसे, तो हमारा तुम्हारा के साथ आपको लगा के बोलना है बच्चों। ये हो गया जुगाड़ तरीका, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जुगाड़ तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट तरीका देखते हैं ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली चीज़ों को कैसे समझेंगे। तो बच्चे ग्रामर में कोई भी वर्ड जो हु व्हाट और होम का रिप्लाई कर दे, मैंने तीन WH वर्ड लिखे हैं, हु व्हाट और होम, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आप उस सेंटेंस में हु से क्वेश्चन बनाना, व्हाट से क्वेश्चन बनाना, होम से क्वेश्चन बनाना। अगर रिप्लाई में जो वर्ड आता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, इनके आंसर में जो शब्द आए वो नाउन होगा, ठीक है। तो जरा समझ लेते इस बात को कि मैंने बोल क्या दिया। चलिए मुझे जरा ये बताइए कि सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य क्या होता है। आपने हिंदी में भी ऐसे पढ़ा होगा, वाक्य सुना है, क्या होते हैं उसमें, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। अब आप बोलोगे हम कर्म हो ना हो, कर्ता और क्रिया तो पक्का ही होते हैं, तो बस सेम इंग्लिश में है, क्या है आपका, आपका सब्जेक्ट जिसको आप कर्ता बोलते हैं, जो कोई ना कोई एक्शन करेगा, ठीक है, या कोई ना कोई एक्शन उस पर होगा, तो ये मेरा कर्ता, ये मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद में कोई ना कोई वर्ब होती है, कोई ना कोई एक्शन जो वो परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं, जिस पर एक्शन होता है। तो अब देखिए, मैंने सेंटेंस में लिखा एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल आपको लेके जाती हूँ बच्चों। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना होगा तो भी चलेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कि आई जैसे कि इट happened, I went there, it happened, ये घटित हुआ, ठीक है। it क्या है, subject है, happened क्या है, verb है, क्या कोई object है, नहीं है, requirement नहीं है। जब हम verb में deal करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कौन सा verb object लेता है, कौन सा नहीं लेता। अभी बस इतना समझिए, बस मुझे आपको बेसिक ये बताना है कि जरूरी नहीं है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी कंप्लीट माना जाता है। इसका मतलब क्या है, मेरे सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, मतलब मैं किसको सेंटेंस बोलूं, क्या केवल सब्जेक्ट सेंटेंस बना देगा, कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। क्या आप उसको सेंटेंस बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी चीज को समझने के लिए मैंने लिखा है आई वेंट देयर, मैं वहां गई। तो आई, ठीक है, सब्जेक्ट, वेंट, गो की वर्ब सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म वेंट होती है, पास्ट सिंपल है बच्चों, ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई वेंट देयर, वहां पे गई। देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी प्लीज देयर को ऑब्जेक्ट ना समझें, फिर देयर है क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह को बता रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो प्लेस में आपने क्या बताया, क्या बताया प्लेस को, आपने प्लेस में तो बताया कि नाउन होता है। तुम्हारा देयर हमारा देयर बोल के देखो, तुम्हारा देयर हमारा देयर आ रहा है क्या, बैठ कभी बोले तुम्हारा देयर हमारा देयर, कभी नहीं बोला ना। तो देयर आपका नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो मैंने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल दी, क्या मैंने बोला ऑब्जेक्ट, और मैंने पहचान आपको क्या करवाई, नाउन की। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, क्या समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों ये सब्जेक्ट जो है मेरा, ठीक है,
इसकी जगह आता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह भी क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। ये चीज मैंने आपको बता दी, ग्रामेटिकली हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि एक सेंटेंस में नाउन यूज कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, सेंटेंस में हम कहाँ रखते हैं नाउन को। तो सब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट की जगह भी आप नाउन और प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अब मैंने बताया पहचानना कैसे, ग्रामेटिकली आपको नाउन को कैसे पहचानना है, तो ग्रामेटिकली बच्चों कैसे पहचानते हैं, मैंने तीन आपको वर्ड बताए थे, ठीक है, कौन कौन सा, हमारे जो थ्री मैजिकल वर्ड हैं जिससे हम नाउन को पहचानते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली क्या है, व्हाट से क्वेश्चन बनाना है, हु से क्वेश्चन बनाना है और होम से क्वेश्चन बनाना है, और आंसर में जो मिल जाए वो आपका क्या होगा, नाउन होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, राम प्लेस फुटबॉल, बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है कि राम फुटबॉल खेलता है, क्लियर है, ओके। तो सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताई थी, सब्जेक्ट, उसके साथ आपकी वर्ब और उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट। पिछले दो एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना क्लियर है। मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है कि मैं नाउन को आपको पहचानना बताऊं ग्रामेटिकल तरीके से, तो मैं बाकी सब चीज़ पे फोकस ना करके अभी मैं सिर्फ नाउन पे फोकस करूंगी। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई क्या, कि मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन को रख सकती हूँ, प्रोनाउन को भी रख सकती हूँ, लेकिन अभी मैं वो टॉपिक डील नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी, हम केवल अभी नाउन पे फोकस करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आप नाउन को रख सकते हैं। अब पहचानना कैसे, जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, जो आपको सेंटेंस दे दिया गया है उसमें जरा यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन बनाइए, दिमाग में बनाइए, फिर मैं बताती हूँ कैसे बनता है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। तो राम प्लेज फुटबॉल, क्वेश्चन क्या बना, राम प्लेज व्हाट, क्या खेलता है, ठीक है, राम प्लेज व्हाट, ठीक है, तो क्या खेलता है, व्हाट का आंसर किससे आया, फुटबॉल से, क्लियर है। तो राम प्लेज व्हाट आंसर में क्या है, फुटबॉल। मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन बनाइए और आंसर में जो वर्ड मिल जाए वो क्या होगा, नाउन होगा। तो मेरा सेंटेंस था राम प्लेज फुटबॉल, मैंने क्वेश्चन बनाया व्हाट राम प्लेज, कैसे ही बनाओ, अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस पे नहीं जाना कि मैम आप तो वो रूल ही फॉलो नहीं कर रहे कि डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट, उतना नहीं देखना है अभी, नॉर्मली, ठीक है, देसी भाषा में अपने दिमाग में ही बनाओ, ठीक है, कि राम क्या खेलता है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, बिल्कुल, तो राम क्या खेलता है, तो आंसर आएगा फुटबॉल। तो ये मेरा क्या हो गया, नाउन, दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द नाउन, इस तरह आप नाउन को पहचानते हो। अब बोला चलो ठीक है, आपने व्हाट का बता दिया, अब हु का बताइए, हु से कैसे समझेंगे, जो मैंने सेंटेंस लिखा है मैं उसी से क्लियर करती हूँ हु को भी। तो सेंटेंस है मेरा राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, मैंने हु से क्वेश्चन बनाया, हु प्लेज फुटबॉल, ध्यान रखना इंटरोगेटिव रूल वगैरह नहीं, ठीक है मैम, बिल्कुल डिटो इंटरोगेटिव वाला बनाओ, डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में वर्ब, वो सब नहीं, बस देसी नॉर्मल अपनी अपने दिमाग में सोचो कि कौन फुटबॉल खेलता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कौन, बिल्कुल, तो दिमाग में बनाओ कि कौन फुटबॉल खेलता है, तो आंसर क्या आएगा, राम, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, नाउन। तो आपको समझ में आया हमने हु और व्हाट का यूज करके मैंने कैसे आपको नाउन आइडेंटिफाई करना बताया। अच्छा, अब होम का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए, आई गेव
I gave Ram this pen or दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सीता प्लीज चेस विद मोहन. क्लियर है. आई गेव राम दिस पेन, मैंने ये पेन राम को दिया, ये सेंटेंस लिखा हुआ है. बस हमें तो आइडेंटिफाई करना है मेरे तीन वर्ड से, किससे, हु से, व्हाट से और हुम से. किसको आइडेंटिफाई करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है. तो चलो देखते हैं. आई गेव राम दिस पेन, ठीक है, मैंने राम को ये पेन दिया. तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि किसको दिया, हुम मतलब किसको. तो वहां पे एक बार लिख लेंगे, हिंदी में भी आपको सोचने में थोड़ा सा हेल्प रहेगा. तो यहाँ पे लिख लो किसको, ठीक है. तो चलिए, आई गेव राम दिस पेन, मैंने राम को ये पेन दिया. तो क्वेश्चन बना किसको दिया, हुम, ठीक है. हुम आई गेव दिस पेन, किसको दिया, तो आंसर में क्या आया, राम. तो राम मेरा क्या है, नाउन है. किसको दिया, राम को दिया. हुम का आंसर मुझे मिल गया है यहाँ पे, ठीक है. ये किसका आंसर दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है. तो ये क्या बन गया, मेरा नाउन बन गया. अब है, तो हमने क्या देखा अभी, हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना देखा हुम वर्ड से, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बनाया हिंदी में भी, किसको. आई गेव राम दिस पेन, मैंने किसको दिया, आंसर में क्या आया, राम. तो राम क्या है, मेरा नाउन है, ठीक है. अच्छा दिस पेन क्या है, एक सेंटेंस में आया तो देख लेते हैं. तो क्वेश्चन बनाओ, मैंने एक वर्ड आपको और बताया था बच्चों, क्या बताया था, व्हाट, ठीक है. व्हाट क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था, हिंदी में कैसे सोचोगे, क्या. देखो हिंदी में सोचने का अभी समझने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से जाते हो ना तो इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा सा सोचना शुरू करो. जैसे जैसे शुरू में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं है, बट ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा और आपको वो हेल्प करेगा बहुत अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए, ठीक है. आप वो चीज़ों को बहुत अच्छे समझने लग जाओगे. तो जैसे मैं बता रही हूँ वो व्हाट से ही सोचना आप शुरू करो, फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है तो एक बार क्या से बना लो, ठीक है. लेकिन प्रैक्टिस आप व्हाट से ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है इसकी. तो क्वेश्चन बनाओ, आई गेव राम दिस पेन, तो व्हाट आई गेव राम, क्या दिया मैंने उसको, तो आंसर में क्या आया, दिस पेन, पेन दिया आपने उसको. तो यहाँ पे मेरा पेन क्या हो गया, नाउन हो गया. किसका आंसर आया, व्हाट का आंसर आया. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सीता प्लेज चेस विथ मोहन, कैसे कैसे पहचानेंगे. तो मैंने तीन वर्ड आपको बता रखे हैं, हु, व्हाट और हुम. तीनों से क्वेश्चन बना के देख लो, आंसर में जो जो वर्ड मुझे मिल जाए वो सारे क्या हो जाएंगे, नाउन. तो देखो, सीता प्ले चेस विद मोहन, सीता मोहन के साथ चेस खेलती है, ठीक है. तो हु प्लेज चेस विद मोहन, कौन खेलता है मोहन के साथ चेस, तो आंसर में क्या आया, सीता. तो सीता क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया. क्लियर है. हु का आंसर कौन दे रहा है इस सेंटेंस में, सीता दे रही है. तो मुझे पहचानना आ गया, मैंने हु से आइडेंटिफाई कर लिया. अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या व्हाट से भी आंसर आ रहा है, देखते हैं. तो सीता प्लेज चेस विद मोहन, तो सीता प्लेज व्हाट विद मोहन, क्या खेलती है सीता मोहन के साथ, तो आंसर में आया चेस. तो चेस क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया. क्लियर है. अब एक और डब्ल्यू एच वर्ड बचता है, हुम. तो सीता चेस खेलती है किसके साथ, ठीक है. सीता प्लेज चेस विद हुम, आपने क्वेश्चन बनाया, आंसर में आपको क्या मिला, मोहन. आप आंसर मुझे ये देंगे, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सीता किसके साथ खेलती है, तो आप बोलोगे मैम मोहन के साथ खेलती है, तो मोहन यहाँ पे मेरा क्या हो गया, नाउन. क्लियर है, ठीक है. तो क्या एक सेंटेंस में तीनों वर्ड के आंसर मिल जाते हैं, क्या हु का भी आंसर मिलता है, व्हाट का भी मिलता है, हुम का भी मिलता है, नहीं, ठीक है. या तो किसी का भी मिल सकता है,
एक का मिल सकता है, दो का मिल सकता है, तीनों का भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि तीनों का ही मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसको हु व्हाट होम से क्वेश्चन बना के देखो, जो जो वर्ड उसके आंसर में आए वो सारे वर्ड मेरे नाउन होंगे। ये होता है आपका ग्रामेटिकल तरीका, क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको सिर्फ नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया, नाउन की पोजीशन बताई मैंने आपको सेंटेंस में, ठीक है। मैंने क्या लिखा सेंटेंस में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। नाउन कहाँ आ सकता है, नाउन सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो देखिए नेक्स्ट अपना सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन और सेंटेंस में उसकी जगह क्या रहती है, सेंटेंस में प्लेस कहाँ होती है, जगह कहाँ होती है उसकी, ठीक है। ये तीन चीज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो देखो, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, क्लियर है। तो प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह यूज होते हैं। भाई सर्वनाम को ही तो इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं ना, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो जो आपके ऐसे वर्ड जो आपके नाउन की जगह, वो वर्ड जो संज्ञा की जगह यूज हो, वो आपके सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। जैसे कि राम की जगह हम ही यूज कर लेते हैं, सीता के लिए हम शी यूज कर लेते हैं, कोई बहुत सारे राम श्याम मोहन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हो, राम श्याम मोहन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम दे यूज कर लेते हैं। कोई चीज होती है जैसे बुक है मेरी, बुक की जगह हम इट यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमें बहुत डिटेल में नहीं देखना है अभी, बस अभी हम डेफिनेशन, उसका सेंटेंस में क्या जगह और उसे कैसे पहचानना है, ठीक है, वही चीजें देखना है। तो मैंने क्या बताया कि जो नाउन की जगह यूज हो वो प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन के स्थान पर यूज होने वाले जो भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। आप इसको एक बार लिख लीजिए, या फिर आप इसको पॉज करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस साइड वाले पार्ट को आपका थोड़ा सा रब करने जा रही हूँ, ये आपकी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ठीक है, डेफिनेशन से तो मुझे इसकी क्लैरिटी हो गई कि बोलेंगे किसको, पर डेफिनेशन से बच्चों काम चलता नहीं है। सेंटेंस में हमें एक्चुअली में समझना पड़ता है, कोई भी वर्ड आया है, ठीक है, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, प्रोनाउन है। तो देखो वही है आइडेंटिफिकेशन मार्क। अच्छा, नाउन को कैसे पहचाना था आपने, आपने हु व्हाट और होम से पहचाना था, ठीक है। आपको इसी तरह इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर लिखवा दी है इसकी, कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले जो भी वर्ड होते हैं वो सारे प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, सेंटेंस में इसकी जगह क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, जरा एक बार मेरे को फिर बता दो। मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। मिनिमम सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम आप सेंटेंस किसको बोलोगे, जिसमें कम से कम सब्जेक्ट हो, करने वाला हो, कर्ता हो मेरा, और वो क्या एक्शन कर रहा है, वो मेरी वर्ब हो, मेरी क्रिया हो, क्लियर है। अब देखना, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखेंगे वर्ब पार्ट में। प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, मेरे किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, तो हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। मेरे सब्जेक्ट या
ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया कि नाउन क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट और सॉरी प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आपके नाउन के स्थान पे आते हैं। अच्छा, नाउन का प्लेस क्या था मुझे बताओ। मैंने अभी अभी आपको 2 मिनट पहले जैसे बताया, नाउन का प्लेस क्या था, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आ रहे थे? तो बच्चों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जब नाउन आ रहे थे, उन्हीं के प्लेस पे जब मुझे दूसरा वर्ड यूज़ करना है, मुझे राम की जगह ही यूज़ करना है, मुझे बुक की जगह इट यूज़ करना है, ठीक है, मुझे मोहन, श्याम, राम इनकी जगह दे यूज़ करना है, तो वो भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। जहाँ पे नाउन आ रहा था उन्हीं की जगह पे कोई शब्द रखना है तो प्लेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको बहुत डिटेल में प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपका लूंगी वर्ब। अच्छा, वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है? आप बोलोगे सिंपल सा कोई सेंटेंस है, कर्ता जो एक्शन करता है, ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो जो एक्शन करता है, कर्ता कोई जो काम करता है, वही जो काम एक्शन आप किससे शो करते हैं, वर्ब से शो करते हैं। तो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, ये हो गया डेफिनेशन इसका। क्या बोला मैंने कि किसको आप और बोलोगे? सब्जेक्ट जब कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो क्या होती है? वर्ब। अच्छा, हमेशा करने का ही सेंस आता है क्या? मुझे जरा ये बताओ, इसको तो बस थोड़ा सा समझना है। तो देखो, एक और चीज़, नई चीज़ आज आपको सीखने को मिल रही है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब मेरा सब्जेक्ट या फिर जो मेरी वर्ब है वो करने होने या रखने का सेंस देती है। अब आप ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, वर्ब करने होने रखने का सेंस देती है। करना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, राम खाना पकाता है, कुछ ना कुछ कर रहा है ना, राम कपड़े धोता है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा है वहां पे। ये होना या रखना क्या है, तो मैं 2 एग्जाम्पल्स इसको समझना यहाँ पे, एक एक हर एक पार्ट का, एक होने का लेते हैं, करने का लेते हैं। तो देखना, I have a car, बोल सकते हैं, I have a car, मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन है क्या? मेरे पास कार है, मेरे पास अभी स्टाइलिश है, ठीक है, मेरे पास हम कुछ भी बोलते हैं, गाड़ी या बंगला है, तो यहाँ पे कोई कुछ भी एक्शन क्या करने का सेंस हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे किस चीज का एक्शन हो रहा है बच्चों? यहाँ पे रखने का सेंस है, रखने का सेंस है, पजेशन जिसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, अधिकार, मेरे इस चीज पे अधिकार, ये मेरी है। तो रखने का सेंस भी किससे आता है? वर्ब से आता है। तो हमेशा करने का सेंस नहीं आता, ये इसकी डेफिनेशन में आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या बोला, होना। अब होने से आप क्या समझते हो, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Example, I am a teacher. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ। अब यहाँ बताओ, क्या कुछ करने या रखने का सेंस है क्या? मैं कुछ कर रही हूँ क्या? अगर मैं बोलती I am teaching you, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्शन कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो टीच वर्ब है, ध्यान से सुनना, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे टीच वर्ब एक्शन दिखा रही है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये एक्शन है। लेकिन आई एम ए टीचर, इसमें क्या एक्शन है, ठीक है, इसमें तो पोजीशन भी नहीं है, इसमें तो रखने का सेंस भी नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होने का सेंस। मैं टीचर हूँ, होने का सेंस आया ना, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो होने का सेंस आ रहा है। तो हमेशा वर्ब से करने का सेंस नहीं आता, वर्ब से होने का भी सेंस आता है, वर्ब से रखने का भी सेंस आता है। तो वर्ब से, वर्ब की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच जो पढ़ रहे हैं उसके हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गया मेरा। अब मेरे को सेकंड चीज़ क्या देखनी है, आइडेंटिफिकेशन, और क्या देखना है इसका, प्लेस, सेंटेंस में ये रखी कहाँ जाती है वो देखते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है इसका आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पॉइंट है मेरा वर्ब में,
पहचानना है मुझे, ठीक है, कि आपकी जो वर्ब है उसको आप पहचानेंगे कैसे। मैंने नाउन पहचानना बता दिया, ठीक है, प्रोनाउन को भी हमने देख लिया, अब वर्ब का देखते हैं। तो मैं आपको कुछ वर्ब देती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी हैं। क्या लिखी हैं? प्ले, एडवाइस, कट, गो, एटसेट्रा, ठीक है। अब मुझे पहचानना है कि ये वर्ब हैं कि नहीं। यहाँ पे तो बच्चों मैंने बहुत सिंपल अभी लिख लिया है, हम बहुत सिंपल से शुरू कर रहे हैं। ऐसे वर्ब आएंगे जो आपने नॉर्मली सुनी नहीं होंगी, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ उससे आप उसको पहचानना जरूर सीख लेंगे कि वर्ब है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं तरीका क्या है, रूल क्या है मेरा। आप उसमें कोई भी वर्ड जो आपको गिवन है, आपको पहचानना है वर्ब है कि नहीं, आप उसमें ईडी लगा के देखेंगे और आईएनजी लगा के देखेंगे। क्लियर है? क्या बोला मैंने? ईडी लगा के देखेंगे और आईएनजी लगा के देखेंगे। अब आप कहोगे मैम दो दो चीजें क्यों बता दी, ईडी और आईएनजी, एक ही चीज बता दो ना, ठीक है। तो मैं कहूंगी अगर आपको इन दोनों में से एक ही चीज लेनी है तो आप किसको लीजिएगा, आईएनजी को लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, हर चीज़ पे जैसे साइंस में क्वेश्चन बनता है ना, मैथ्स में क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे इंग्लिश में भी होना चाहिए, तभी बेसिक्स क्लियर होंगे। और बेसिक क्लियर होंगे तो रूल जाने में और डीप इनटू जाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ईडी को क्यों स्किप किया, आईएनजी को क्यों लिया, जो एग्जाम्पल लिखे उसी से बता देती हूँ मैं। तो देखो प्ले, ठीक है, जरा ईडी बताओ, जरा ईडी लगाओ इसमें, तो आप बोलोगे प्लेड, बिल्कुल आसान है। अब एक बार आईएनजी लगा के बोलो, आप बोलोगे प्लेइंग, ठीक है, तो प्लेड भी सुना है कि नहीं सुना आपने, He played hockey last night, ठीक है, He played football yesterday, बोला आपने, played होता है, ed लगता है। तो ये जो कोई भी शब्द word लिखा हुआ है ये क्या है बच्चों, verb है, ठीक है, ये जो भी word लिखा है वो verb है। क्यों, इसमें ed लग गया, इसमें ing लग गया। अच्छा ing वाला और देख ले, playing सुना है ना, Ram is playing football, Ram is playing basketball, तो प्लेइंग प्ले वर्ड में आईएनजी लगा है तो ये क्या हो गई, मेरी वर्ब हो गई। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आई होप ये आपको बहुत ही सिंपल चीजें क्लियर होगी। चलो अब जो नेक्स्ट आगे दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं, एडवाइज, ठीक है, एडवाइज में ईडी लगा के बोलो तो आप बोलोगे एडवाइज्ड, ठीक है, अब आईएनजी लगा के बोलो एडवाइजिंग, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो ईडी सुना लगेगा आपको वर्ड, ये सारे आपके जो एग्जाम में आते हैं ना, ये बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड नहीं आते, वही जो हमने बचपन में जूनियर क्लासेस में जो वर्ड देखे थे वही आते हैं। तो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है उसमें रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो एडवाइज और एडवाइजिंग बिल्कुल होता है। तो गिवन वर्ड मेरा क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब देखो कट, जरा ईडी लगा के बोलो, कटेड, कटेड कुछ होता है, आप बोलोगे मैम होता है, हमने तो कभी नहीं सुना कटेड। अब मैं बोलूंगी आईएनजी लगा के बोलो, कटिंग, यस बिल्कुल सुना है, सीता इज कटिंग वेजिटेबल, बिल्कुल सुना है, ठीक है, राम इज कटिंग बोर्ड, अपना बोर्ड को कट कर रहा है, तो बिल्कुल सुना है। तो अभी देखो जो मैंने रूल में जो बात कही थी उसको मैं अब एग्जाम्पल से प्रूव कर रही हूँ कि हर केस में ईडी से काम नहीं चलता, हर केस में ईडी से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने क्या लिया है, आईएनजी लिया है, ठीक है। हर केस में ईडी से काम क्यों नहीं चलता, ठीक है, एक वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, एक वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, जिसको हम बहुत बेसिक में वर्ब की अगर मैं फॉर्म बोलूं तो हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल नाम याद भी नहीं रहे चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो मुझे ये बताओ कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या सब ईडी लगा के बन जाती हैं क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनती। जैसे मैंने एग्जाम्पल कट ही लिख रखा है, तो आप कैसे बनाते हो इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट, ठीक है, पुट की कैसे बनाते हो, पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म पुट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। एक वर्ड आता है कास्ट, ध्यान से देख लेना बच्चों इस वर्ड को, ठीक है, क्यों देख लेना, एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है।
कास्टेड कुछ नहीं होता, कहते हैं ना मैंने अपना वोट कास्ट किया, वोट देने को क्या बोलते हैं, वोट कास्ट करना, ठीक है। तो कास्टेड कभी नहीं होता। टेलीविजन पे जो शो प्रसारित होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीकास्ट बोलते हैं ना, कि शो टेलीकास्ट होने वाला है, इवनिंग में टेलीकास्ट होने वाला है, टेलीकास्टेड कभी नहीं होता, ब्रॉडकास्टेड कभी नहीं होता। तो कास्ट और कास्ट से बने जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, कभी उनमें ईडी नहीं लगता है, ध्यान रख लेना अच्छे से, चाहे वो टेलीकास्ट हो चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तीनों फॉर्म सेम ही चलती हैं, तीनों फॉर्म में यही चलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है। तो ईडी वाला रूल तो फेल हो गया यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि आईएनजी वाले को स्टार मार्क कर लो, ठीक है। आईएनजी लग गया तो मतलब वर्ब है, तो कास्टिंग, ठीक है, आई एम कास्टिंग माई वोट, आई कास्टेड माई वोट फॉर दिस, जो भी आपकी पार्टी में आप जिस भी पार्टी को फेवर करते हो तो वहाँ पे वो आप नाम मेंशन कर दोगे। यहाँ पे तो हम मेंशन नहीं कर सकते, आपको बता होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में ओपनली ऐसा ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है कि मैंने इसको वोट दिया उसको वोट दिया, घर वाले भी एक दूसरे को नहीं बताते हैं, खैर सब बातें बोल लेंगे बताते सब है। तो यहाँ पे आपको तो पता ही है हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसी होती है, खैर हम उन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं, अभी यहीं पे रहते हैं। तो देखो कास्ट हो गया आपका, समझ में आ गया आपको क्यों ईडी को प्रेफर नहीं किया हर केस में, क्यों आईएनजी को किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरी वर्ब क्या है, मेरी वर्ब है गो, जरा ईडी लगाओ, ठीक है, गोड कुछ होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनती नहीं है, तो होगा क्यों। ओके तो मैम सेकंड और थर्ड फॉर्म होती क्या है, बच्चों जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी ना मैं आपको कुछ एक लिस्ट दूंगी जो रिपीटेडली आपकी आती हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें इतना पता नहीं होता। बाकी मैं जैसे जैसे सेंटेंस, क्योंकि हम नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, पैसिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो सेंटेंस से मैं आपको समझाऊंगी, वहां पे हम वर्ब लेते रहेंगे और उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको उन्हें सेंटेंस के साथ बताती रहूंगी। अभी के लिए गो की मुझे बता दीजिए कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप जो मैं आंसर, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँ उसके आंसर आपको तुरंत अपनी कॉपी में लिखना है और अपने दिमाग में सोचना है बच्चों, ठीक है। ये वन टू वन इंटरेक्शन होना चाहिए, ये नहीं बस मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक उसी तरह इसको लेना जैसे कि आप एक प्रॉपर क्लास में बैठे हो, ठीक है, और आप सोल्जर बनने वाले हो, डिसिप्लिन इज मस्ट, ठीक है, डिसिप्लिन अब भी से सीख के चलो, क्लास चल रही है तो क्लास का एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलो। तो गो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म मैंने आपको लिखने को बोला है, तो आपका क्या हो जाएगा, गो went और gone, ठीक है, क्या बोला मैंने, गो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, went और gone हो गई, ईडी लगा के नहीं बना। अच्छा मैंने बोला आईएनजी वाला रूल तो सर्वे सर्वा है, ठीक है, इसको तो गांड बांध लेना, मैग्ना कार्टा हुई है यहाँ का, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे गोइंग बिल्कुल होता है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, शी इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग, तो यहाँ पे आई एन जी लगा के बिल्कुल बनता है, तो गो में आई एन जी लग गया तो ये क्या होगी, मेरी वर्ब होगी, आइडेंटिफिकेशन आ गया है, बिल्कुल आ गया होगा आपको। अभी क्या करते हैं, मैं साइड हो रही हूँ, आप इसका एक स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए या फिर पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्या होते हैं, जगह, रखते कहाँ है मैम, वर्ब रखते कहाँ है सेंटेंस में, तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था मैंने आपको। तो सब्जेक्ट की जगह क्या क्या आ सकते हैं, रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों, ध्यान रखना ये, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पूछूँ तुरंत उसका आंसर दिमाग में सोचना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आते हैं, नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आते हैं, नाउन और प्रोनाउन। इंटरेक्टिव सेशन रखो, जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं सीखने वाले हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार बताऊँ इस चीज़ को 50 बार बताऊँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। तो सब्जेक्ट की जगह नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन प्रोनाउन, क्लियर है, ये चीज़ें मैं अभी तक सीख चुकी हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीख रही हूँ वर्ब, ठीक है, अब कहाँ आता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसको आप वर्ब से लिखते हो, तो नाम ही वर्ब से लिखा हुआ है, मैंने कुछ और लिखा भी नहीं हुआ, या तो सब्जेक्ट लिखा हुआ था तो नाउन और प्रोनाउन मेंशन करना पड़ा, यहाँ पे वर्ब लिखा ही हुआ है तो क्या मेंशन करना है,
तो नई चीज़ यहाँ पे क्या सीखनी है। मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है नहीं आता, कभी आपने देखा आता है कभी नहीं आता, ये क्या चक्कर चल रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ठीक है बच्चों, वर्ब कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स की होती हैं। डिटेल वर्ब में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये मत बोलना मैम इसी में टाइप आ गया, इसी में क्या आ गया, क्या क्या पढ़ूँ, ऐसे कुछ नहीं। बेसिक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, कभी भी कोई सेंटेंस आप पढ़ो तो उसमें कम से कम ये तो देख पाओ ना बच्चों कि ये मेरा नाउन है, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, ये जो एक्शन कर रहा है ये इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस वर्ब का एक्शन हो किस पे रहा है, क्या हो रहा है, कम से कम बेसिक चीज़ें समझ पाओ। आपको गिवन सेंटेंस पढ़ के पता तो चले कि बोलना क्या चाह रहा है, तभी तो उसमें एरर पकड़ोगे ना। तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो टू टाइप्स मैंने बोला। कौन कौन से टाइप्स बोले मैंने, यहाँ पे है ए, ट्रांसिटिव वर्ब, और बी, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला मैंने? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों आज मैंने इसे पूरा लिखा है, नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पे भी लिखूंगी तो मैं इसका एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो मैं ट्रांजिटिव वर्ब को टी भी लिखूंगी और आई और इनट्रांजिटिव वर्ब को आईटी भी लिखूंगी। आप समझ जाना इस चीज को, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। ट्रांजिटिव वर्ब टीवी, इनट्रांजिटिव वर्ब आईटीवी, क्या लिख दिया मैंने ये, ठीक है, क्या ट्रांजिटिव वर्ब, क्या इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब भी समझना मुश्किल हो रहा था। आपने तो और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट, आपने तो और चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी, कॉम्प्लिकेट नहीं की, सिंपल करी है, ठीक है। कैसे, देखो कब ऑब्जेक्ट आएगा कब नहीं आएगा ये समझने के लिए मुझे इन दोनों चीज को थोड़ा सा स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है, बस ये सुन लो कि ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में क्या लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ले भी सकती है या फिर ऑब्जेक्ट ना, मतलब या फिर वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ भी ना ले, क्रॉस से बता रही हूँ मैं इसको, ठीक है। क्या लिख दिया एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वर्ब दो तरह की, ऑब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना, इस चीज़ पे इस आधार पे हम इसको बांट रहे हैं, दो तरह की वर्ब बोली मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों जरा देखना, ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर करती है, ट्रांजिटिव किससे बना है, ट्रांसफर करने से बना है, वर्ब अपना एक्शन ट्रांसफर करती है। मुझे अगर कोई चीज़ किसी को ट्रांसफर करनी है, आगे कुछ होना तो चाहिए जिसको मैं ट्रांसफर करूं, तो आगे मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं ओरली बोल रही हूँ, अगर लिख पा रहे हो तो लिख लो, नहीं लिख पा रहे तो सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, वर्ब में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, वरना वीडियो पॉज करो और जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। लेक्चर पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, अभी इतना नीड भी नहीं है, वो चीज़ें आएंगी आपके आगे। तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा और किसी पे एक्शन करेगा, सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा और किसी पे एक्शन करेगा। आई प्ले फुटबॉल, मैं प्ले तो कर रही हूँ, मैं एक्शन तो कर रही हूँ, खेलने का एक्शन कर रही हूँ, लेकिन किस चीज़ से खेल रही हूँ, फुटबॉल से खेल रही हूँ। आई प्ले कैरम, ठीक है, आजकल वो लूडो वगैरह बहुत चल रहा है, तो आई प्ले लूडो, तो एक्शन हो रहा है खेलने का, प्ले का, किस पे हो रहा है, लूडो पे हो रहा है, ठीक है, फुटबॉल पे हो रहा है, चेस पे हो रहा है। ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब को अपना एक्शन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये अपने आप में कंप्लीट किसी भी एक्शन को दिखा देती है, जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, ठीक है, अब इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो गोइंग वर्ब है ये अपने आप में कंप्लीट है, ये अपना एक्शन किसी पे ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो जब एक्शन ट्रांसफर ना हो तब किस तरह की वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक्शन ट्रांसफर हो, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में प्रीपोजिशन लेती हैं, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में प्रीपोजिशन लेती हैं, या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में कुछ भी नहीं लेंगी तो भी वो सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने वर्ब तक देख लिया है, ओके।
तो ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आप आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच है उन सबके साथ में. टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड. जय हिंद.